वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 8 एंड टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन एंड टुडे वी स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 6.7 एंड टुडे वी डू पार्ट 1. Now see in the book, this is your maths book, maths of class 8. Now open exercise 6.7. See here, this is the exercise 6.7, page number 54. इन दिस एक्सरसाइज वी डिवाइड दिस इक्वेशन, हमें यहाँ पे डिवाइड करना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है ए पार, हम इनको किस तरह से डिवाइड करेंगे. ये पॉलीनोमियल्स हैं, देखो हमको डिवाइड करने का जो मेथड है थोड़ा डिफरेंट है. किस तरह से डिवाइड करेंगे, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ए पार्ट में, ये मैं नोटबुक में लिख कर आपको दिखाती हूँ. हिंदी नोटबुक देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ए पार्ट. ये हमारा इक्वेशन है पॉलिनोमियल, इसे हमें डिवाइड करना है बाय, यानी कि डिवाइड करना है इससे वाई स्क्वायर माइनस टू वाई से. अब बच्चे देखो इसमें इसको डिवाइड हम किस तरह से करेंगे, इसे आपको बहुत ध्यान से देखना है. जो हम यहाँ पे अंदर नंबर लिखते हैं इनको हम सब जो भी हमारा वेरिएबल है यानी कि अल्फ़ाबेट है उसकी सबसे बड़ी पावर से हम शुरू करेंगे. जैसे यहाँ पे देखो y की पावर 4 है, यहाँ पे y की पावर 3, y की पावर 2, देन y की पावर 1. तो हम बड़ी पावर से लिखना शुरू करेंगे, फिर कम करते 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 इस तरह से उनको अरेंज करेंगे. अब हम और जिससे हमें डिवाइड करना है वो हम यहाँ लिख लेंगे. अब देखिए फर्स्ट हमें नंबर देखना है, ये यहाँ पे हमें y की पावर कितनी चाहिए 4 और नंबर चाहिए 3. तो 3y4 लाने के लिए अब देखिए यहाँ पे है फर्स्ट है हमारा y स्क्वायर. तो y स्क्वायर में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये टर्म मिल जाए. देखो यहाँ पे 3 नहीं है तो हम यहाँ पे एक टर्म 3 लिख देंगे. तो 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 3y² आ जाएगा, लेकिन हमें 3y4 चाहिए. तो 4 लाने के लिए यानी कि y की पावर स्क्वायर, तो 3 का 3 आ जाएगा और y2 × y2 या तो y4 हो जाएगा. यानी कि जब हम इस पूरे टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर में तो हमें ये नंबर मिलेगा. तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 और y2 का मल्टीप्लाई y2 में करेंगे y4. अब इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करना है तो ये माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे. अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 और y2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y3 हो जाएगा. तो y3 हमें इसको क्या करना है माइनस, जैसे हम डिवाइड में माइनस करते हैं उस तरह से. तो माइनस करने के लिए बच्चों हम इनके साइन चेंज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका रूल थोड़ा डिफरेंट है. तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे और ये प्लस है तो यहाँ माइनस. साइन चेंज कर मतलब नीचे वाली जो लाइन है सिर्फ उसी का साइन चेंज करना है, ये साइन नीचे वाले का है. अब देखो ये ऊपर प्लस है और ये नीचे वाला माइनस बन गया, तो ये तो हो गया कट यानी 0. अब ये माइनस 3 और ये प्लस 6, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस 6 बड़ा है, इसमें से हम माइनस 3 कर देंगे तो यहाँ बचेगा 3 और ये y3, ये इसी तरह से रहता है. सिर्फ नंबर चेंजेस होते हैं, वेरिएबल चेंज नहीं होते हैं. अब बाकी के जो टर्म है ये पूरा हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, माइनस 4y स्क्वायर
और माइनस फोर वाई, तो पूरा हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इसको देखेंगे, अब हमें कितना चाहिए, थ्री वाई क्यूब यानी वाई की पावर थ्री। अब फिर हम यहाँ पर ऐसा नंबर, कौन सा नंबर लिखेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे करने से ये आ जाए। तो यहाँ पर थ्री नहीं है, तो थ्री लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे थ्री, क्योंकि थ्री का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो थ्री आ जाएगा। लेकिन हम वाई थ्री कब आएगा बच्चों, ये तो वाई टू है, तो यहाँ एक वाई लिखेंगे हम यानी थ्री वाई। तो थ्री वाई का मल्टीप्लाई जब हम वाई टू से करेंगे तो थ्री बाई थ्री आ जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है प्लस, क्योंकि ये प्लस थ्री और ये प्लस वन, तो दोनों मिलके तभी तो प्लस थ्री आएगा इसके बराबर। अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो ये हमारा इसी के इक्वल आ जाएगा थ्री बाई थ्री, क्योंकि थ्री वन जा थ्री और वाई का मल्टीप्लाई वाई टू में करेंगे तो वाई थ्री। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या बन गया माइनस। अब थ्री का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो सिक्स, अब वाई का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ये माइनस है तो प्लस, उल्टा चेंज करना है। तो ये प्लस थ्री और ये माइनस थ्री, ये जीरो हो गया, कट कर देंगे इसे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस फोर है और ये प्लस सिक्स। अब ये सिक्स प्लस का बन गया बच्चों, क्योंकि हमने साइन चेंज किया है ना, अब ये सिक्स को हम प्लस में गिनेंगे तो प्लस सिक्स और ये माइनस फोर, तो यहाँ आ जाएगा टू वाई स्क्वायर। अभी आगे का हम यहाँ लिख लेंगे माइनस फोर वाई। अब हमें ये वाला टर्म चाहिए, तो वाई टू तो पहले से ही है तो ये तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू नहीं है तो हम यहाँ पर टू लिखेंगे। अब लेकिन ये प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे प्लस टू। अब टू का मल्टीप्लाई देखो हम वाई टू में करेंगे तो टू वाई टू आ जाएगा इसके इक्वल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू वाई टू यानी स्क्वायर। और ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा। अब टू का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो टू टू जा फोर वाई, साइन चेंज करेंगे हम। अब ये प्लस है तो यहाँ माइनस और ये माइनस है तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। अब हम देखिए ये प्लस टू और ये माइनस का टू, तो दोनों ज़ीरो हो गए, कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस फोर है और ये प्लस फोर, ये भी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ये भी कट हो गए, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, लिखा था। अब हमारा आंसर क्या आया क्वेश्चन, थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, ये हमारा आंसर है यानी कि क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम इनको डिवाइड करेंगे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी का ये हमारा पॉलीनोमियल है, इसे हमें डिवाइड करना है बाय यानी एम प्लस टू, इससे हमें डिवाइड करना है इस पॉलीनोमियल को। तो इसे हम बाहर लिखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम अंदर लिखेंगे। अब देखिए इसको भी हम इस तरह से करेंगे, एम की पावर जो सबसे बड़ी है वहाँ से शुरू करेंगे थ्री, फिर एम की पावर टू, देन एम, फिर नंबर। अब सबसे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा बच्चों, थ्री एम की पावर थ्री यानी एम क्यूब। तो हमें एम से मल्टीप्लाई करना है, तो एम में हम यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके इक्वल आ जाए। तो पहले यहाँ थ्री नहीं है तो हम यहाँ पे थ्री लिखेंगे, अब यहाँ पे एम थ्री है तो एम एक एम तो है तो यहाँ लिखेंगे एम स्क्वायर, क्योंकि एम टू और एम तभी तो एम थ्री बनेगा हमारा। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई में कर देंगे तो ये आ गया हमारा
थ्री का मल्टीप्लाई टू में कर देंगे तो सिक्स एम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो एम है नहीं तो एम स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस, क्योंकि दोनों सेम है और ये प्लस और ये माइनस तो ये कट गया, ये प्लस फोर और ये माइनस का सिक्स, तो माइनस सिक्स बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस टू एम स्क्वायर, और बाकी जो पीछे है वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस फाइव एम प्लस एटीन। अब हमें ये वाला टर्म चाहिए, तो यहाँ पर एक एम है तो एम स्क्वायर लाने के लिए एक एम की ज़रूरत है, और यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू नहीं है तो टू की ज़रूरत है, तो ये टू आ जाएगा और एम इंटू एम एम स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये माइनस है तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो माइनस टू एम स्क्वायर आएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू वन जा टू और एम इंटू एम एम स्क्वायर, और ये माइनस में आ गया, और ये माइनस और ये प्लस दोनों मिल के होगा माइनस, और टू का मल्टीप्लाई टू में कर देंगे फोर और ये एम। अब साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, और माइनस टू और प्लस टू ये ज़ीरो कट गए, प्लस फाइव प्लस फोर तो ये हो गया, दोनों प्लस के हैं तो नाइन एम, और प्लस ये एटीन, तो जब हमें नाइन एम लाना है तो यहाँ पे एम है तो एम तो ये पहले से ही है तो किसकी ज़रूरत है, नाइन की, तो प्लस नाइन। यहाँ पे देखो एम तो ऑलरेडी है नाइन, तो यहाँ पे नाइन लिख देंगे, अब नाइन का एम में करेंगे तो नाइन एम, अब प्लस और प्लस तो प्लस, और नाइन का यहाँ टू में करेंगे नाइन टू जा एटीन। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है ये भी माइनस, देखो दोनों सेम है और ये प्लस और माइनस जीरो, प्लस एटीन और माइनस एटीन ये भी जीरो, कुछ नहीं बचा, तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ बच्चों, ये आंसर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आंसर इज इक्वल्स टू थ्री एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस नाइन, जो ये है यही हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारा। इस तरह से बच्चों हमें डिवाइड करना है, एक और देख लीजिए इसका सी का, ये सी पार्ट में हमें डिवाइड करना है फोर जेड क्यूब प्लस सिक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड, किससे करना है, बाय माइनस वन अपॉन टू जेड से करना है। तो देखिए सेम उसी तरह से करेंगे हम, पहले इसे हम बाहर लिखेंगे माइनस वन अपॉन टू जेड, फोर जेड क्यूब प्लस सिक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड। देखिए यहाँ पे हमें चाहिए फोर जेड क्यूब, यहाँ एक जेड है यहाँ पे क्यूब है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जेड स्क्वायर, और ये प्लस है तो हमें यहाँ लिखे माइनस है तो हमें इसे माइनस में लिखना पड़ेगा। अब फोर लाने के लिए बच्चों हम वन अपॉन टू में किसका मल्टीप्लाई करें, एट से, क्योंकि वन अपॉन टू, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको रफ में करके दिखा रही हूँ, जब हम माइनस वन अपॉन टू को मल्टीप्लाई करेंगे एट से तो टू से ये कट जाएगा फोर, तो फोर बन जा फोर, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा फोर इसके बराबर, और ये माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, तो इसलिए एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर, एट
तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस फोर जेड क्यूब। देखिए माइनस इसमें आ गया, अब हम इसका क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, अब ये ज़ीरो। अब ये टर्म लिख लेंगे हम सिक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड। अभी हमें जेड स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे तो जेड है, एक जेड की ज़रूरत है तो यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे जेड। अब सिक्स लाने के लिए इसके साथ कितने का मल्टीप्लाई करें, ट्वेल्व का, क्योंकि देखो बच्चों जब ये हम माइनस वन अपॉन टू को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व से, तो टू सिक्स आ ट्वेल्व, तो सिक्स आ जाएगा, तो माइनस सिक्स। अगर हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो माइनस यहाँ आएगा ट्वेल्व जेड, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से सिक्स आ गया और माइनस माइनस मिल के प्लस, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस ज़ीरो हो गया, अब यहाँ लिखेंगे माइनस जेड। अब इसके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, जेड तो यह है ही, तो जेड तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, अब ये माइनस है तो माइनस तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, क्योंकि दोनों मिलकर माइनस हो जाएगा। अब z कब बचेगा, जब इसका मल्टीप्लाई हम इसी के रेसिप्रोकल से कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आएगा 2, जब 2 से मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ z बचेगा, यहाँ आएगा माइनस का z, प्लस कर देंगे चेंज, ये आ गया आंसर माइनस 8z स्क्वायर माइनस 12 जेड प्लस 2, दिस इज द आंसर। इसी तरह से बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चंस इसी तरह से डिवाइड करने हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।